हेलो डी स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम यू ऑन योर ऑन चैनल स्टडी स्मार्ट वाला सो दिस स्टडीज मार्टवालाज ऑल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसिंग गैसेज बायोलॉजी क्लास इलेवेंथ के लिए देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स इन इनफ्लसिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन का देखिये पिछली क्लास में मैंने आपसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का बिल्कुल बेसिक सा डिस्कस किया था जिसमें कि मैंने बताया था कि ये जो कर्व है ये जो ग्राफ है ये हमें क्या डिनोट करता है ठीक है आज की जो मेन वीडियो है वो है फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को आ,

फिर भी मैं एक शॉर्ट आपको जरूर दूंगा कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है क्या ठीक है ध्यान दीजिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये जो एक तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं हम देखते हैं कि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और जो

ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन हो चुका है और ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में ही बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन के एटम्स के साथ जुड़ सकता है ठीक है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो ऑक्सीजमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स होता है वो कब बनता है जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है हैोग्लोबिन और या फिर हम उसको एक केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में बोले तो एच बी फोर एच एट ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ठीक है एच बी फोर ओ एट सॉरी एट ये क्या था ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मूला है ठीक है तो देखिए ये जो कर्व है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये एक सिग्मोइड कर्व है सिग्मोइड कर्व कैसी होती है एच शेप शेप्ड ठीक है तो इसकी हल्की सी आपको एस शेप दिखाई देगी तो इसको हम बोलते है इस हैं हो, हो, तो, है? है, तो आपका ठीक है।, है लेकिन जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका 100 यानी कि मैक्सिमम हो चुका है 100 एम एम ऑफ एच जी तब आपका जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो 97 परसेंट है अगर आपको याद हो मैंने आपको पिछली क्लास की जो वीडियो थी हमारी उसमें मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कि ऑक्सीजन वन टू तो थ्री परसेंट डिजोल्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है यानि कि प्लाज्मा में डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाता है लेकिन नाइनटी सेवन तो टू नाइन परसेंट वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्स की शेप में या रूप में ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब हमारा पर्स जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 एमएमओएचजी है उस टाइम पे आपका जो मैक्सिम सैचुरेशन है वो कितना है 97% है और यहीं से वो बात निकल के सामने आई थी कि 97% ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है ठीक है तो यानी कि जब आपका जो हंड्रेड एम एम एफ एच जी पहुंच जाएगा पार्सअल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उस टाइम पे नाइनटी सेवन परसेंट अवेलेबल हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर चुका होगा इज इट क्लियर अब देखिए दिस कर्व शोस दैट द परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीओ2 दैट इज व्हेन द एल्वियोलाई एल्वियोलर पीओ2 इज हाई द परसेंटेज परसेंटेज सैचुरेशन इज आल्सो मोर ठीक है तो हमें पता है कि जिस टाइम पे हम इनहेल करते हैं दैट टाइम वी हैव मोर पीओ2 इन एल्वियोलाई क्योंकि इनहेल्ड एयर के अंदर जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पीओ टू ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इन द मिक्सचर ठीक है तो जितना जो जो गैस जितनी ज्यादा प्रेजेंट होगी किसी भी मिक्सचर में उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होती है उसके अंदर जो एलव्यूल होता है वो कितना क्या है पीओ टू है एलव्यूलाई के अंदर ठीक तो है तो वहां पे पीओ टू ज्यादा है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है वहां पर क्या होगा जो कैपिलरी बेड है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा किसके साथ कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा यानी कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो जिस टाइम पे पीओ टू हाई है एलुलाई में उस टाइम पे परसेंटेज सेचुरेशन भी ज्यादा है क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है ठीक है अब देखिए द लोअर द पीसीओ टू अब यहाँ पे ध्यान रखना मैंने पीसीओ बोला है द लोअर द पीसीओ द हायर द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन अब यहाँ पे भी ध्यान रखने की बात क्या है कि जिस टाइम पे एल्वियोलाई के अंदर पीओ हाई है तो तो सिंपल सी बात है है लो होगा होगा ठीक तो पे क्या होगा? एफिनिटी हाई होगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से कंबाइन करने की बट अगर मान लीजिए पीसीओ टू हायर है ठीक है पीसीओ टू हायर है तो क्या होगा कि जो आपका प्रोबेबिलिटी है डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन की वो इंक्रीज हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल टिश्यूज के

अवेलेबल करा सके क्योंकि हमें पता है जैसे ही वो ऑक्सीमोगलोबिन का ब्रेक डाउन होगा तो क्या हो जाएगा वहां पर ऑक्सीजन रिलीज होगी ठीक तो हो है तो देखिए में we know that the P -O is less, क्योंकि टिश्यू वर्किंग है तो वहां पे ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो रही है सेम टिश्यू इफ इट इज वर्किंग ओ टू ऑफ मोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ऑक्सीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स एंड इट विली टू द प्रोडक्शन ऑफ वॉट जब जैसे तो क्या करेगा हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और जो ऑक्सीजन अलग होगी be अवेलेबल फॉर द टिश्यू ठीक है जिसके अंदर डिमांड ज्यादा थी तो ये क्या हुआ कि जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स था वो डिसोसिएट हो गया हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन के अंदर और ये वाली ऑक्सीजन किसको मिल जाएगी टिश्यू को मिल जाएगी ठीक है जिसको डिमांड थी तो जब कभी भी टिश्यूज के अंदर हाई होगा तो वहां पर भी क्या होगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स है वो उसके के बढ़ते और जो होगी, तो हम लोग बोल दें कि जो डिसोसिएशन है एचबीओ का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी ऑफ द टिश्यू मोर द एक्टिव ऑफ द मोर द टेकिंग प्लेस इन टिश्यू मोर अकरिंग इन द सेम टिश्यू एचबीओ कॉम्प्लेक्स का, का ध्यान रखो मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ अब देखिये नेक्स्ट अब हमने बोला की देखिये ये जो मैंने आपको ब्लैक कलर से बोल्ड जो आपको मैंने ब्लैक कलर से ये

ठीक है अब ये राइट साइड साइड शिफ्ट शिफ्ट और लेफ्ट भी कुछ ना कुछ हमें इंडिकेट करते हैं ठीक है जो देखिए अब जो राइट साइड शिफ्ट है बच्चों वो क्या इंडिकेट करती है कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन क्या है लेस है ध्यान से सुनो मैंने कहा राइट साइड जो शिफ्ट है इट इंडिकेट्स

टिश्यू ज्यादा एक्टिव होता है तो उस टाइम पे उसका पीसीओ टू लेवल हाई होता है और पीओटू कम होता है और ये भी एक कंडीशन है जो कि ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स को डिसोसिट होने में हेल्प करती है तो इसका मतलब क्या है अगर हमारी जो कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो रही है इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी के टिश्यूज है मेटाबोलिज्म है दैट इज वेरी हाई ठीक है मेटाबॉलिज्म हाई होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो हीमोग्लोबिन और जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है वो कम है और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हीमोग्लोबिन है ऑलरेडी अवेलेबल है वो भी क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है और ऑक्सीजन टिश्यूज को अवेलेबल करा रहा है ताकि उनकी एक्टिविटी स्मूथली चलती रहे ठीक है तो ध्यान से देखिए इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द टिश्यू इज मोर एक्टिव एंड नीड्स मोर ऑक्सीजन दस एच बीओ डिसोट इन ऑर्डर टू रिलीज ऑक्सीजन इज इट क्लियर और अगर ऐसे काम होंगे तो आपकी जो कर्व है वो किस साइड शिफ्ट हो रही होगी राइट साइड पे शिफ्ट होगी ठीक है अब देखिए उल्टा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कि किन रीजन में लेफ्ट साइड शिफ्ट uh, होती है पहली बात तो हम ये समझे कि लेफ्ट साइड शिफ्ट इंडिकेट क्या करती है उल्टा शो right uh, कर तो करेगी तो इट विल बी इंडिकेटिंग मोर एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल टूवर्ड्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा ये ज्यादा एफिनिटी है ठीक मतलब है थीके? अब देखिए इट इंडिकेट्स मोर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन

ऑब्जर्व कर रहे हैं पेशेंट के ग्राफ के अंदर तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से अलग नहीं हो रहा और जब तक वो ऑक्सीजन से अलग नहीं होगा तब तक टिश्यूज को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो सिंपल सी बात क्या हुई बच्चों कि यहाँ पर अगर हमें किसी मेडिकल कंडीशन में दिखाई दे कि लेफ्ट साइड शिफ्ट ज्यादा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रही है कर्व की तो हम क्या करते हैं हम उसको राइट साइड पे शिफ्ट करवाते हैं तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि राइट साइड शिफ्ट को

अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए इसमें एक फैक्टर और एड कर लीजिए नंबर फाइव इज योर फोर थ्री टू एंड वन ठीक है तो फिफ्थ फैक्टर है बच्चों हमारे पास कि एरिथ्रोसाइट कॉन्सेंट्रेशन एरिथ्रो साइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू थ्री बाइफॉस्फो या डायफो डायफो ग्लिसरेट, ठीक है जिसको कि हम लोग डीपीजी या बीपीजी भी बोलते हैं डीपीजी सॉरी डीपीजी

यहाँ पर देखिए ये हीमोग्लोबिन इट मीन कि अगर PO2 टू हाई है तो वहां पे क्या होगा ऑक्सी हिमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा ठीक है दूसरा है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये भी हम लोग अभी डिस्कस करके आए हैं अगर पी ज्यादा होगा ये यह देखिए यहाँ पर इफ higher the pco2 higher the probability of dissociation of oxyhemoglobin complex yani ki pco2 agar zyada hai to wahan pe kya karega oxygen jo oxyhemoglobin jo hai complex hai wo dissociate hoke oxygen available karayega tissue ko theek hai to ab aate hain third factor pe wo kya hai hydrogen ion concentration dekhiye hydrogen ion concentration kya denote करता है Acidic medium को तो simple सी बात है अगर acidic medium होगा तो आपकी जो curve है वो right side shift करेगी ध्यान रखो मैंने क्या बोला अगर एसिडिक मीडियम है अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा होंगे तो आपकी जो कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट होगी और राइट साइड शिफ्ट क्या इंडिकेट करती है कि टिश्यू ज्यादा एक्टिव है ठीक है नंबर फोर इज टेम्परेचर टेम्परेचर भी अगर आपका इंक्रीज करता है तो वो भी क्या शिफ्ट राइट साइड शिफ्ट को फेवर uh, करेगा ठीक है अब आते हैं हम लोग बीपीजी के अंदर डायफॉस्फोग्लिस का जो लेवल है अगर वो भी बढ़ता है तो वो भी आपकी कर को राइट साइड शिफ्ट करेगा तो सिंपल सी बात है इन सारे फैक्टर्स को आपने ध्यान में कैसे रखना है इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राइट साइड शिफ्ट किसको करती करती है, क्या करती है, क्या तो इंडिकेट आप आप और लेफ्ट दोबारा उसको देखिए जब तक कि आपको ये कॉन्सेप्ट या फंडा समझ में नहीं आएगा कि राइट साइड शिफ्ट क्या इंडिकेट करती है और लेफ्ट साइड शिफ्ट क्या इंडिकेट करती है तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा फैक्टर्स वाला समझ में आया तो देखिए इन्हीं सारे फैक्टर्स को अगर मैं आपको जो मेन फैक्टर्स है उनके अगर मैं बात करता हूं अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बच्चों जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ सीओ टू है उन दोनों ही फैक्टर्स को आपने कैसे कैसे करना है उन दोनों ही फैक्टर्स को दो कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर देना एट टिश्यू लेवल एंड एट आपका एलव्यूला एलव के अंदर कर लेना और आपका जो लेवल है, उसमें अलग से क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था जिस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको प्रेशर की एक टेबल बना के दी थी ठीक है उस टेबल में अगर आप देखो तो एल्वलाई का जो पीओ है वो वन होता है ठीक है और जो आपका उसी टाइम पे जो CO2 का अगर आप लेवल चेक करोगे टिश्यू के अंदर दैट इज 40 एम mm एम तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये भी आपके ऑक्सीजन और जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी को इन्फ्लुएंस करता है ठीक है तो आपने ध्यान क्या रखना है अगर पीओ हाई है तो वहां पे क्या होगी एफिनिटी ज्यादा होगी और हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपका PCO2 हाई है तो इसका मतलब वहां पे क्या है कि जो टिश्यू है अगर मैं टिश्यू की बात करूं टिश्यू क्या है वर्किंग है प्रोडक्शन बढ़ी हुई है हमें पता है सीओ टू वेस्ट गैस है जो कि मेटाबॉलिज्म का वेस्ट है ठीक है तो पीसीओ टू अगर हाई है तो वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है तो जो ऑक्सीजमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है वो डिसोशियट होकर अपने अपनी ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा ठीक है तो अब देखिए इन्हीं फैक्टर्स को ये जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है बच्चों इनको मैं एक टेबल की फॉर्म में डिनोट कर रहा हूँ जहां से आप अपनी राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट को याद कर सकते हो कैसे देखिए हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ की बच्चों इस तरीके से ठीक है आप देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं फैक्टर्स लिख रहा हूँ इस इस वाले कॉलम में टेम्परेचर फॉर एग्जांपल ठीक है और इस साइड पे हम लोग लिखेंगे चेंज कि यहाँ पे लिख लीजिए चेंज यहाँ हो जाएगा फैक्टर्स ठीक है और यहाँ पे आ जाएगी शिफ्ट कि किस साइड पे शिफ्ट हो रहा है ठीक है तो अब जरा ध्यान दीजिए हमने बोला कि पहला फैक्टर हमने टेम्परेचर को लिया फिर हम लेंगे तो मैंने मेन मेन फैक्टर्स के लिए चार कॉलम्स बना लिए ध्यान दीजिए अब पहला फैक्टर टेम्परेचर है दूसरा मैंने लिखा आपका डीपीजी लिख लीजिए टू थ्री बीपीजी टू थ्री बीपीजी और पीसीओ को ले लीजिए पीओ भी उसमें कंसीडर हो जाएगा और एच प्लस आय कॉन्सेंट्रेशन कंसेंट्रेशन यानी कि आपका एसिडिक मीडियम अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने बोला है कि अब हम चेंज दिखाते हैं चेंज मैं दोनों दिखाऊंगा इंक्रीज और डिक्रीज ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ठीक है तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो मैं इसके बीच में एक लाइन लगा देता हूं ताकि क्लियर रहे हमने दो में डिवाइड कर दिया इसको ठीक है अब ध्यान दीजिए यहां पे हमने बोला टेम्परेचर इंक्रीज किया है ठीक है बच्चों अपवर्ड डिनोट्स की टेम्परेचर इंक्रीज हुआ अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपकी जो शिफ्ट है वो किस साइड होगी राइट साइड पे ध्यान रखो ये वाला एरो यहाँ वाला मैं यहाँ नीचे भी लिख देता हूँ इट इंडिकेट्स राइट शिफ्ट और इट इंडिकेट्स लेफ्ट शिफ्ट अपवर्ड एरो इंडिकेट्स इंक्रीज एंड डाउनवर्ड एरो ठीक है तो अगर आपका अपवर्ड इंक्रीज है टेम्परेचर इंक्रीज किया तो शिफ्ट किस साइड होगी राइट साइड पे होगी अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया है ध्यान दो अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो वो हो जाएगी आपकी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट ठीक है सिमिलरली जो टू थ्री इट्स लेवल इंक्रीजेस अपवर्ड एरो है तो ये क्या देगा आपको राइट साइड शिफ्ट देगा अगर वो डाउनवर्ड यानी कि डिक्रीज है उसका लेवल बॉडी के अंदर तो वो क्या हो जाएगा बच्चों लेफ्ट साइड शिफ्टेगा ठीक है सिमिलरली अगर pco2 इंक्रीज कर रहा है अगर pco2 इंक्रीज कर रहा है लेवल ऑफ pco2 यानी कि आपकी co2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो वो क्या करेगा राइट साइड शिफ्ट देगा ठीक है आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो टूट जाएगा और अगर pco2 लेवल डाउन है इट मींस आपका क्या होगा

देखिए पीसीओ टू लेवल डाउन है तो लेफ्ट साइड पे कर्व शिफ्ट हुई है, और लेफ्ट साइड पे कब होती है तो यहां से भी पता लगा अगर पीसीओ टू लेवल डाउन होगा तो पीओ टू लेवल ज्यादा होगा और ज्यादा होगा तो क्या होगा एफिनिटी ऑफ हिमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन विल बी मोर अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे जो कि क्या है आपका एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो एसिडिक लेवल बढ़ेगा पीएच लेवल आपका घट जाएगा और एसिडिक लेवल बढ़ेगा एच प्लस आयन ज्यादा होंगे तो आपका क्या होगा राइट साइड शिफ्ट होगी अगर आपका एच प्लस आयन कम है इसका मतलब जो आपका पीएच है वो हाई है बेसिक साइड पे जा रहा है तो उसका मतलब वो लेफ्ट साइड शिफ्ट तो अब मेरे को लगता है ये जो टेबल बनाई है इससे आपका काम बहुत ही आसान हो गया अब आपको ये फैक्टर्स आराम से याद रहेंगे अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं बच्चों, इन को याद करने की ठीक है तो देखिए आपको मैं एक निमोनिक, देता हूं। निमोनिक है ध्यान से देखना इस निमोनिक को निमोनिक क्या है आपका कैडेट फेस राइट ठीक है ये चीज आपने याद रखनी है आप कैडेट्स को मान लीजिए ऑर्डर मिला है कि टू फेस राइट तो कैडेट्स। अब कैडेट की फुल फॉर्म देखिए आप पहले तो हे सी स्टैंड फॉर ओहो सी स्टैंड फॉर सीओ टू ए स्टैंड फॉर एसिड ठीक है डी स्टैंड फॉर डीपीजी एंड ई स्टैंड ठीक है अब आपने ध्यान क्या रखना है कि ये अगर सारे इनक्रीज करते हैं अगर कैडेट इंक्रीज करेगा तो आपकी जो शिफ्ट है वो किस साइड होगी बच्चों राइट साइड में ध्यान दीजिए अब कैसे हमने बोला पीसीओ टू लेवल हाई हो रहा है अब जरा अपने पीछे वाले टेबल पर चलिए अगर पीसीओ टू लेवल हाई होगा तो वो किस साइड शिफ्ट करेगा बेटा राइट right साइड ये देखिए पीसीओ लेवल हाई है तो वो किस साइड शिफ्ट कर रहा right है राइट साइड यही चीज मैंने आपको यहाँ बताई है अगर कैडेट वाले फीचर्स अगर इंक्रीज करेंगे तो जो आपकी शिफ्ट है वो राइट साइड होगी तो अगर सीओ का लेवल बढ़ेगा तो पीसीओ बढ़ेगा पीसीओ बढ़ेगा तो मतलब शिफ्ट कहाँ होगी राइट साइड पे होगी दूसरी चीज देखिए एसिड एसिड बढ़ेगा इसका मतलब H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो भी शिफ्ट राइट साइड होगी डीपीजी का लेवल बढ़ेगा तो भी राइट साइड शिफ्ट होगी जब आप एक्सरसाइज करते हो आप जरा यहाँ पे ध्यान दो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बेटा इसको एक बार चाहे तो आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लीजिए वैसे मैंने अभी आपको लिखवाया भी है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो होता क्या क्या है आपका मेटाबोलिक रेट इंक्रीज हो जाता है इंक्रीज इन मेटाबोलिक रेट मेटाबॉलिक रेट और इसकी वजह से क्या होता है मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो आपकी जो डिमांड uh, है डिमांड ऑफ ऑक्सीजन दैट मीज ऑल्सो इंक्रीज ठीक है अब इसकी वजह से क्या होगा आपका देखिए और और क्या क्या होता है एक्सरसाइज की वजह से लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा तो एसिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ठीक है यहीं पे लिख लीजिए तो यहाँ पे लैक्टिक uh, एसिड का जो लेवल है वो भी इंक्रीज करेगा इसकी वजह से क्या हुआ एसिड एसिडिक मीडियम बन गया आपका ठीक है अब यहाँ पे डिमांड ऑफ ओ टू बढ़ गई और यहाँ पे करते हैं तो सेल, है, तो है है आपका टू का होगा ठीक इसकी वजह से क्या हुआ पी सी ओ टू आपका इंक्रीज हो गया ठीक है आप देखिए जिस टाइम पे टिश्यू वर्किंग होता है तो उसमें क्या होता है टेम्परेचर भी बढ़ता है टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस ठीक है तो ये सारे के सारे फैक्टर ये जितने जितने भी फैक्टर जो मैंने लिखे हैं जो कि एक्सरसाइज की, की वजह से हो रहा है जैसे कि एसिडिक मीडियम डिमांड ऑफ ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर ये चारों के चारों फैक्टर्स इसमें क्या क्या करना चाह रहे हैं राइट साइड शिफ्ट ठीक है तो ये आई थिंक अब टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती क्या है क्या डिनोट करती है क्या इंडिकेट करती है और उसकी शिफ्टिंग जो राइट साइड शिफ्टिंग है लेफ्ट साइड शिफ्टिंग है वो भी कैसे आ, आप डिपिक्ट कर सकते हो या इंडिकेट क्या करती है वो और फिर कौन 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 से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस कर्व को राइट right साइड या लेफ्ट साइड शिफ्ट होने पे हेल्प करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक है थीके? तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे समझ में आ जाए ठीक है फिर से एक रिक्वेस्ट अगर वीडियो पसंद आई है अगर सब कुछ समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कमेंट कीजिए अगर डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको अच्छा फील हुआ तो प्लीज अच्छे कमेंट करके मेरे को मोटिवेट कीजिए ठीक है और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज सिंपल व्यू मत कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे ठीक है तो आई रिक्वेस्ट स्पेशली टू न्यू सब्सक्राइबर्स न्यू व्यूअर्स एक्चुअली प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है एंड मेरे को मोटिवेट कीजिए ओके स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में जो होगी होगी वो हो आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्ब, कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किस किस फॉर्म में होता है तो वो हमने देखना है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है जैसे कि आपका हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है ठीक है क्लोराइड शिफ्ट क्या होती है तो वो उसमें डिस्कस करेंगे हाँ जी एक चीज मैं बताना भूल गया बच्चों आपको बोर्स इफेक्ट एक मिनट इसको भी ध्यान से देख लीजिए बोर्स इफेक्ट क्या था बोर्स बोर्स देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कि जब H बढ़ती बढ़ती है, कि मीडियम, अगर बढ़ती है है. यानी अगर में, तो जो आपकी कर है, वो राइट शिफ्ट होती है। लेकिन ध्यान दीजिए जैसे जैसे आपका इफ सीओ टू लेवल इंक्रीज करता है इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है बच्चों? ये सीओ टू एच टू के साथ कंबाइन करके एसिड बना लेता है H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड अब एसिड बना बच्चों एसिड बना तो क्या होगा आपकी जो कर्व होगी वो किस साइड शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी ठीक है तो इसे क्या होगा द पीएच विल फॉल ठीक है और क्या हो जाएगा पीएच फॉल करेगा तो आपकी राइट साइड शिफ्ट होगी राइट साइड शिफ्ट और ये राइट साइड शिफ्ट क्या करती है फेवर करती है डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि जो है उसके uh, globin, उसके ग्लोबिन, डिसोसिएशन को क्या करती है फेवर uh, करती है, डिसोसिएशन को ठीक है तो इस इससे क्या होगा जो आपका हीमोग्लोबिन है वो अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों बोर इफेक्ट बोलते हैं ध्यान रखना ठीक है तो बोर इफेक्ट एक्चुअली क्या करता है बोर इफेक्ट आपको ये बताता है कि ज जैसे जैसे जितना एक्टिव टिश्यू होगा द लेवल ऑफ सीओ टू विल इंक्रीज एंड लेवल ऑफ सीओ टू इंक्रीजेस तो वो क्या करती है वाटर के साथ कंबाइन करके यानी कार्बोनिक एसिड बनाएगी और कार्बोनिक एसिड की बनने की वजह से जो ओवरऑल पी एच है that will come down. अगर पी आएगा, तो हमने अभी डिस्कस किया था जो आपकी शिफ्ट है वो कौन सी होगी राइट शिफ्ट होगी राइट शिफ्ट में क्या होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो कम हो जाती है इसलिए जो ऑक्सी हिमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स है दैट डिसोसिएट्स और जैसे ही डिसोसिएशन होगा तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और आपकी ऑक्सीजन फ्री हो जाएगी नाउ दिस हीमोग्लोबिन विल बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू कंबाइन। तो बच्चों ये था आज की क्लास में तो मैं वाइंड अप करता हूँ आज की क्लास को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिलेक